आप यमनाष्टक ना आठमा श्लोक नु दर्शन करावी अमोने सौने लाभान्वित करशो। पूज्य श्री वजाधीश जी लालन बावाना वचनामृत पहला पूज्य श्री गोकुलेश्वर जी लाल बावाना वचनामृत नो पण लाभ मळशे। पुष्टि मार्गी कर्मणे दादाजी पूज्य दादू पूज्य लालन दादा काकाजी सुजीजी प्रणाम करता हूँ। दादाजी जी को प्रणाम करता हूँ। रूपा के लिए आवाहन और गाय की सेवा एक गू की सेवा गाय की सेवा बोलो श्री वल्लभ। हाँ श्रीवल्लभारीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री अम्बे महारानी की जय। श्री गोपाल लाल प्यारे की जय। श्री नवनीत लाल प्यारे की जय। गोकुल के रसिया की जय। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यत। नमो नमस्ते स्तर्षभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुः योगिनां निरस्य साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्म निरंशते नमः। यस्यानुकम्पा वशतः सुदुर्लभम् मानुष्यमाप्तम् परमस्य पुंसः सर्वार्थदम् दीनदयालुमेकम् गोपाललालम् शरणम् प्रपद्ये। अत्र विराजमान परम पूज्य ताचरण ताजी एवं पुष्टि मंथन सत्संग सभा से जुड़े हुए आप सब वैष्णव। आज सर्वप्रथम आज के गुरु पूर्णिमा पर्व की आप सबको मंगल बधाई एवं शुभकामना। हमको गुरु के सानिध्य में हम सदा रहे, गुरु की कृपा हम सदा ही प्राप्त करते रहे, यही मंगल विनती शाचार्य शरण के चरणारविंद में। तो आइए हम श्री यमनाष्टक स्तोत्र का प्रस्पान करें। पूर्व में हमने श्री यमुना जी के यमनाष्टक स्तोत्र के सप्तम श्लोक के दर्शन किए थे, जहां पर श्री यमुना आचार्य चरण वहां पे आज्ञा करते हैं कि श्री
यमुना जी के सानिध्य में हमको सदा ही रहना चाहिए। यमुना जी की कृपा हम पे सदा ही होती रहे, तो जिससे हमको तनुनवत्व मेतावता की प्राप्ति हो, अर्थात भगवत सेवा में उपयोगी नूतन देह की प्राप्ति हो। तो आज हम यह सत्संग में श्री यमुनाष्टक स्तोत्र के अष्टम श्लोक के दर्शन करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम अष्टम श्लोक का गान करें। स्तुतिं तव करोति कः कमलजा सपत्ने प्रिये हरेर्यदनु सेवया भवति सौख्यमामोक्षतम् इयं तव कथाधिका सकल गोपिका संगम स्मरश्रम जलाणुभि सकल गात्र जय संगम। अब यहाँ पे इस श्लोक में श्री आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि स्तुतिम तव करोति कः, कि हे श्री हमने तव स्तुतिम अर्थात आपकी स्तुति यह समस्त विश्व में कौन कर सकता है। किसी में यह सामर्थ्य नहीं है कि वह आपकी स्तुति कर सके। जिस प्रकार से रसो वै सह परमात्मा प्रभु भगवान की स्तुति कोई नहीं कर सकता, इसी प्रकार से श्री यमुना जी की स्तुति भी कोई नहीं कर सकता। और जगत में हम जीव स्तुति भी किसकी करता है कि जो प्रभु से जिसका संबंध हो उसकी ही स्तुति करते हैं। जिसका प्रभु से संबंध नहीं होता है उसकी तो यह जगत में केवल निंदा ही होती है। इसलिए श्री भगवान ने प्रभु ने श्रीमद गीता जी के 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में आप अर्जुन को आज्ञा करते हैं कि आसो रम्यानियोपन्ना मूढ़ा जन्म निजन्मने माम प्राप्त्यैव कौन्तेय ततो यात्यत् माम गतम्। अर्थात जो जीव जो मूढ़ जीव मुझे प्राप्त नहीं करता वह अंत में आसुरी योनि को प्राप्त होता है और उसके बाद उससे भी नीच गति अर्थात घोर नरक में पड़ जाता है। तो वैष्णवो जगत में जो भगवान से जिसका संबंध हो उसकी जगत में स्तुति की जाती है। जैसे श्री लक्ष्मी जी भगवान के हृदय में से प्रकट हुए तो इसलिए लक्ष्मी जी की स्तुति कर सकते हैं। और अब श्री आचार्य चरण कमल जा सपत ने प्रिय का लेकिन श्री यमुना जी की स्तुति करना अशक्य है क्योंकि श्री यमुना जी आप लक्ष्मी जी की सपत्नी हैं और सपत्नी होने के कारण श्री यमुना जी का स्वभाव लक्ष्मी जी से भिन्न है। श्री लक्ष्मी जी की स्तुति हम कर सकते हैं, लक्ष्मी जी आप ब्रह्मानंद रूपा हैं और यह बात प्रमाण सिद्ध है और वेद वाक्यों के आधार पर लक्ष्मी जी की महिमा का वर्णन जीव कर सकता है। परंतु श्री यमुना जी तो आप भजनानंद पुष्टि लीला स्वरूपा हैं, आप भजनानंद रूपा हैं, इसलिए आपकी स्तुति करना अशक्य है। देखिए तीन प्रकार के आनंद होते हैं, पहला विषयानंद, दूसरा ब्रह्मानंद और तीसरा भजनानंद। विषयानंद का अर्थ होता है कि विषयों में का जो अधीन हो, विषयों में से जो जीव को आनंद प्राप्त होता है उसे विषयानंद कहते हैं। और जब विषय भी नष्ट हो जाते हैं तब वह आनंद भी चला जाता है, अर्थात वह आनंद क्षणिक है। इसलिए हमारे सुभाषितकार कहते हैं कि अस्थिरम जीवितम लोके अस्थिरम धनयो वने अस्थिरम पुत्र धारा धर्म एको ही निश्चल।
अर्थात अस्थिरम जीवितम लोके, यह जो जीवन है यह अस्थिर है। अस्थिरम धन यौवन है, यह जो धन और यौवन का अर्थ होता है युवा अवस्था, यह भी अस्थिर है। अस्थिरम पुत्र दाराश्च अर्थात पुत्र पत्नी परिवार, यह भी अस्थिर है। तो इन सब चीजों में से जो आनंद प्राप्त होता है वह अस्थिर है, वह क्षणिक आनंद है। तो ये है विषयानंद। अब इससे ऊपर ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद का अर्थ होता है ब्रह्म में लय हो जाना, और ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग पे जो चले शायद से करोड़ों में वह एक होगा कि उसे ब्रह्मानंद की प्राप्ति। और लक्ष्मी जी आप ब्रह्मानंद रूपा है, और ब्रह्मानंद में से मोक्ष प्रदान अर्थात मुक्ति का दान होता, मुक्ति दान मिलता। और लक्ष्मी जी आप मुक्ति का दान देने वाली हैं। परंतु अगर लक्ष्मी जी की कोई जीव स्वतंत्र भाव से उनकी स्तुति करता है तो जीव को मोक्ष प्रदान नहीं होता। इसलिए आपने कहा हरेर यदनु सेवया, अर्थात हरि की स्तुति करने के पश्चात श्री लक्ष्मी जी की स्तुति हम करें तब जाके हमको मोक्ष का, मोक्ष हमें प्रदान होता। लक्ष्मी जी आप मोक्ष का दान करते, परंतु अगर हम स्वतंत्र भाव से लक्ष्मी जी की स्तुति करते हैं तो वह मोक्ष का विधात हो जाता है। तो यह है ब्रह्मानंद अर्थात ब्रह्म में लय हो जाना। और इससे श्रेष्ठ, इससे सर्वोत्तम है भजनानंद। और भजनानंद क्या है कि भजनानंद अर्थात सर्वदा स्वभावेन, इसलिए हमारे आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि सर्वदा स्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिप स्वस्यायमेव धर्मो हि नान्यक्वापि कदाचन, अर्थात श्री पुष्टि मार्ग वैष्णव का यह धर्म है कि सदा सर्वदा भाव से ब्रजाधिप का भजन ही पुष्टि मार्ग धर्म है। और भजन अर्थात सेवा, मतलब अगर हम ब्रजाधिप की अर्थात प्रभु की सेवा करते हैं तो हमें भजनानंद की प्राप्ति होती है। और भजनानंद कैसा है अर्थात पूर्णानंद हरिस्तस्मात्, हमारे आचार्य कृष्णाश्रय में आज्ञा करते हैं कि प्राकृत सकला देवा गणितानंदकम बृहत् पूर्णानंदो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर मम, अर्थात यह जो जगत में यह जो देवी देवता हैं वह सब प्राकृत है और गणितानंद है, परंतु पूर्णानंदो हरिस्तस्मात् जो हरि है जो भजनानंद है उनमें उनका जो आनंद है पूर्णानंदो, उनमें सब आनंद है आएगा और वह अगणित आनंद है। वह आनंद की महिमा का वर्णन को ही नहीं कर सकता। और वेद भी अंतिम क्या कहते हैं कि नेति नेति न इति, अर्थात न इति, यह ब्रजानंद के आनंद के की महिमा का वर्णन को ही नहीं कर सकता, वेद भी नहीं कर सकते। इसलिए हमारे भगवदीय कहते हैं कि जाधन को मुनि जपत पखोजत वेदहु पारन पायो, अर्थात जाधन को यह जो ऋषि मुनि है यह जपके तपके तप कर कर जप कर कर भजनानंद को खोजते हैं फिर भी उन्हें प्राप्त नहीं होते, और वेद भी उसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। तो ऐसे भजनानंद स्वरूप हैं जिसकी यह वाणी यह इंद्रिया मन उनके स्वरूप का गान उनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। और प्रभु आप भजनानंद स्वरूप हैं, और प्रभु की प्रिया होने के कारण श्री यमुना जी भी आप भजनानंद रूपा हैं। श्री यमुना जी की भी यह वाणी यह इंद्रियां यह मन स्तुति नहीं कर सकता। इसलिए आपने आज्ञा करी श्री आचार्य शरण ने कि स्तुतिम तव करोति कह, कि हे श्री हमने आपकी स्तुति कौन कर सकता है। इसलिए प्रभु को लक्ष्मी जी से भी विशेष यमुना जी से प्रेम है। आज स्वयं प्रभु श्रीमद् भागवत जी के नवम स्कंध के चतुर्थ अध्याय में आप दुर्वासा ऋषि को 63वें और 64वें 63 और 64 श्लोक में आज्ञा करते हैं। यह तब की बात है
जब अमरीश राजा और उनकी पत्नी एकादशी का पूरे साल का व्रत जब उन छोड़ने की घड़ी आई, तब वहां पे दुर्वासा ऋषि पधारे और दुर्वासा ऋषि को देखकर अमरीश राजा ने उनका सत्कार किया और कहा कि आप पधारे हैं तो आइए हम साथ में व्रत का त्याग कर व्रत छोड़ें। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि ठीक है, परंतु मैं मेरे नित्य नियम से अर्थात संध्या वंदन से निवृत्त होकर आऊं, फिर हम छोड़ेंगे। तब दुर्वासा ऋषि पधारे यमुना जी के तट पे, आप अपने ध्यान में तल्लीन हो गए और वहां पे अमरीश राजा प्रतीक्षा करने लग गए। और फिर वहां पे उनके जो भूदेव थे उनने कहा कि व्रत छोड़ने की घड़ी आ गई है, अगर आपने यह घड़ी में व्रत नहीं छोड़ा तो आपका पूरे साल का व्रत निष्फल हो जाएगा। तो भूदेव के आग्रह से अमरीश राजा ने व्रत जल का सेवन करके व्रत छोड़ा। और इतने देर में ही वहां पे दुर्वासा ऋषि पधारे और दुर्वासा ऋषि को यह पता चल गया कि अमरीश राजा ने उनके बिना ही व्रत छोड़ दिया है, तो उनको गुस्सा आया। वह बड़े क्रोधी थे तो उनको गुस्सा आया और उनने कृत्या को प्रकट किया और कृत्या से कहा कि इसे मार दो। परंतु दुर्वासा ऋषि को यह पता नहीं था कि अमरीश राजा प्रभु के बड़े भक्त हैं, भगवान के परम भक्त हैं और उनकी रक्षा सुदर्शन चक्र कर रहा है। तब कृत्या जब अमरीश राजा को मारने जा रही थी तब सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ, उसने कृत्या को मारा। और जब वह दुर्वासा ऋषि को मारने जा रहा था तब दुर्वासा ऋषि दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के पास गए, कहा कि हे ब्रह्मा, हे ब्रह्मा, मुझ मेरी यह सुदर्शन चक्र से रक्षा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपकी यह सुदर्शन चक्र से रक्षा नहीं कर सकता। तब वह दौड़ते दौड़ते शिव जी के पास गए, उनसे कहा कि सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कर रही है। तब शिव जी ने कहा कि मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता इस सुदर्शन चक्र से। फिर वह अंतिम भगवान के पास दौड़ते दौड़ते गए और कहा कि हे प्रभु, यह सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। तब भगवान ने दुर्वासा ऋषि को आज्ञा करी कि अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर् ग्रस्त हृदयो भक्तिर् भक्त जन प्रिय नाहम आत्मानम आशासे मद भक्त ही साधुभिर्वना श्रियम चाति किम ब्रह्मन् येषां गतिरहम् परा। इसका अर्थ होता है कि अहम भक्त पराधीनो, भगवान दुर्वासा ऋषि को आज्ञा करते हैं कि मैं भक्त के पराधीन हूँ या स्वतंत्र ही द्विज, मैं कोई स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भक्त के पराधीन हूँ। और ना हम आत्मानम आशा से, अर्थात ना तो मैं अपनी आत्मा से इतना चाहता हूँ, ना तो मैं आत्मा को इतना प्रेम करता हूँ चाहता हूँ, और ना तो मैं लक्ष्मी जी से इतना प्रेम करता हूँ जितना प्रेम मैं अपने भक्तों से करता हूँ। तो वैष्णवो, यह भगवत वाक्यों से हमें यह पता चलता है कि प्रभु आप लक्ष्मी जी को इतना प्रेम नहीं करते जितना आप अपने भक्तों को करते हैं। तो यहाँ पर श्री लक्ष्मी जी आप ब्रह्मानंद रूपा हैं और यमुना जी आप भजनानंद स्वरूपा हैं, तो प्रभु आप लक्ष्मी जी को इतना प्रेम नहीं करते जितना आप यमुना जी को करते हैं। तो इसलिए श्री आचार्य चरण ने आज्ञा करी कि स्तुतिम तव करोति, कहा कि हे श्याम ने आपकी स्तुति कौन कर सकता है, कौन में यह सामर्थ्य है कि वह आपकी स्तुति कर सके। तो यहाँ पर यह चरण में श्री आचार्य चरण हमें यह बताया कि यमुना जी की स्तुति कोई ही नहीं कर सकता, यमुना जी की स्तुति करना अशक्य है क्योंकि आप भजनानंद स्वरूप। और अब आगे श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि यम तव कथाधिका सकल गोपिका संगम स्मर श्रम जलाणु भी सकल गात्र जय संगम। तो हमने पूर्व में देखा कि प्रभु आप
लक्ष्मी जी से इतना प्रेम नहीं करते जितना आप यमुना जी से करते हैं, और यमुना जी आप भजनानंद रूपा हैं, लक्ष्मी जी आप ब्रह्मानंद रूपा हैं, और यमुना जी की स्तुति करना अशक्य है, लेकिन श्री लक्ष्मी जी की स्तुति करना शक्य है। तो अब यह चरण में श्री पुरुषोत्तम जी अपनी विवृत्ति में बड़ा ही सुंदर भाव देते हैं। पुरुषोत्तम जी यमुना जी के नाम बताते हैं, वैसे तो यमुना जी के अनेकों नाम हैं, उसमें से आपका एक नाम आप बता रहे हैं कि आपका नाम है केली सलीला, अर्थात केली का अर्थ होता है क्रीड़ा। तो प्रभु आप यमुना जल में, यमुना जी में सदा ही क्रीड़ा करते हैं, इसलिए आपका नाम हुआ केली सलीला। अब जब प्रभु सकल गोपिका संगम, अर्थात जब सकल गोपियों और गोपियों का संगम हुआ, आप जल में जल विहार कर रहे थे, गोपियों के साथ जल में क्रीड़ा कर रहे थे, तब आपने यमुना जल को अपने मुखारविंद में पधराया और उसके बाद वापस उसे बाहर निकाल दी, अर्थात कुल्ला कर दिया। और प्रभु के मुखारविंद में ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या का वास है प्रभु के मुखारविंद। तो जब प्रभु ने यमुना जल को अपने मुखारविंद में डाला, तब यमुना जल को भी वह ब्रह्म विद्या यमुना जल में प्रवेश कर गई। तो आप ब्रह्म विद्या अमृत को धारण करने वाली श्री यमुना जी हैं, इसलिए आपका नाम हुआ ब्रह्म विद्या सुहावहा, सुधावहा। तो सकल गोपिका संगम स्मरश्रम जलाणु भी, अर्थात जब आप गोप और गोपियों के साथ जब आप जल में क्रीड़ा कर रहे थे, गोपियों के साथ जब आप जल विहार कर रहे थे, तब आपको जो श्रम हुआ उसका, जब आपको श्रम हुआ तब आप की श्रीयक में से स्वेद बिंदु अर्थात जल बिंदु द्वित्व होने लग गए, द्रवित होने लग गए। देखिए, कोई मानव मनुष्य को जब पसीना आता है, जब कोई वह श्रम लेता है, काम करता है, तब उसे कोई पसीना आता है, तब उसे पसीना आता है, पर प्रभु आप जब श्रम आपका हुआ तब आप में से पसीना नहीं, आप में तो अमृत अमृत रस प्रकट हो रहा था, क्योंकि आप रसो वही सह, आप रसात्मक स्वरूप है आपका। इसलिए जब प्रभु को श्रम हुआ तब आपके श्रेयंग में से स्मरश्रम अर्थात आपके श्रेयंग में से रस द्रवित हो रहा था और वह रस यमुना जल में प्रवेश कर गया। सकल गात्र जय संगमा, यहाँ पे अब आगे पुरुषोत्तम जी आज्ञा करते हैं कि सकल गात्र जय संगमा का अर्थ होता है आपके केवल श्रेयंग में से नहीं, आपके सकल श्रेयंग में से, अर्थात आपके शिर से लेके नख तक, शिर से लेके नख में भी आपके रस द्रवित होके श्री यमुना जल में प्रवेश कर रहा था। देखिए, कोई मनुष्य को जब पसीना आता है तब उसे थोड़ी ना शेर मस्तक में या फिर नख में थोड़ी ना पसीना, पर प्रभु आपके अंदर से पसीना नहीं, आपके अंदर से तो अमृत रस प्रकट हो रहा है। तो आपके सकल गात्र जय संगम, आपके सकल श्रीअंग में से शिख से लेके नख तक आपके सकल श्रीअंग में से रस अमृत रस प्रकट हो रहा था, और वह कहाँ जा रहा था कि यमुना जल में, यमुना जल में वह अमृत रस प्रकट समा गया। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वह तो अवतार काल की बात है, कि प्रभु आप अवतार काल में आपने गोपियों के साथ जल विहार किया और तब यमुना जी में ब्रह्म विद्या, श्री यमुना ब्रह्म विद्या अमृत आप में आया यमुना जी में। हमको ऐसा नहीं विचारना चाहिए, हमको यह विचारना चाहिए कि अनवतार काल में भी श्री प्रभु भगवान आप सदा ही व्रज में लीला कर रहे हैं, नित्य लीला नित्य नूतन श्रुति न पावे पार, अर्थात आप श्री यमुना जी की तट पे श्री यमुना जी में सदा ही क्रीड़ा करते हैं, सदा ही नित्य लीला करते हैं। तो इसलिए
कहा है कि इसलिए कहा कि सकल गात्र जय संगमा कि प्रभु के पुरुष यंग में से जल द्रवित हो रहा था। तो यहाँ पे इसलिए शाचार्य ने आज्ञा करी कि स्तुतिम तव करोति कह कि हे शिव ने आपकी स्तुति कौन कर सकता है, किसी में भी यह सामर्थ्य नहीं है कि वह आपकी स्तुति कर सके। तो वैष्णवो अब आचार्य चरण यह आज्ञा कर रहे हैं कि स्तुतिम तव करो कि आपकी स्तुति को ही नहीं कर सकता, तो मैं तो भला एक बालक हूँ, मैं यह शिवनाष्टक स्तोत्र का क्या वर्णन कर सकता हूँ। और मैं जो आपको कह रहा हूँ वो तो ताजी आचार्य चरण की कृपा है। तो बस इतना ही कहते, ज्यादा ना कहते हुए हमको सदा ही शिवना जी का सानिध्य लेना चाहिए, शिवना जी की कृपा में रहना चाहिए। तो बस ज्यादा ना कहते हुए एक बार फिर से आपको गुरु पूर्णिमा पर्व की बधाई हो। तो बस मैं वाणी को विराम दू, उससे पहले आइए दो घड़ी हम श्री यमुना नाम लें। श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, जय बोलो श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, जय बोलो 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 श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, जय बोलो श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, जय बोलो श्री यमुना जी की जय, हाँ यमुना जी की जय, बोलो यमुना जी की जय, जय बोलो श्री यमुना जी की जय, जय बोलो श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, जय बोलो श्री यमुना जी की जय, जय बोलो श्री यमुना जी की जय, जय बोलो श्री यमुना जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महाराज की जय, शिवल्लभाधीश की जय, श्री गोपाल लाल प्यारे की जय, श्री व्रजाधीश जी लालन प्यारे की जय, श्री पुष्टिधाम हवेली मां बिराजमान श्री रसिया ठाकुर नी सेवार्थ अने सुखार्थ पूज्य दादाश्री दामोदर लालजी महाराज श्री नी सर्वाध्यक्षता मां सूरत मां श्री गौतीर्थ कामधेनु गौशाला कार्यरत छे, तेमा गौ माता नी सेवा अने संवर्धन घणा वर्षो थी थई रह्यो छे। गौ सेवा करवी ए आपणो वैष्णव धर्म छे, तो प्रभु कृपा थी आपणने जे पण द्रव्य मळ्यु होय तेमाथी गायोनी सेवा माटे सुसंपत्ति विनियोग करावीए, आपनी गौ सेवा नित्य चालू रहे ए माटे आप गौतीर्थ कामधेनु गौशाळाना कायमी सभ्य पण बनी शको छो। गौ सेवा लखावा माटे गौशाळाना कार्यकर्ताओनो संपर्क करी शको छो। विशेष आवती काल थी एटले के 25 तारीख थी हिंडोळा उत्सव शुरू थई रह्यो छे। श्री पुष्टिधाम हवेली मां पण दर वर्षे श्री रसिया प्रभुना सुखार्थ विविध प्रकारना कलात्मक हिंडोळाना मनोरथो करवामां आवे छे। तो आप सौ पण तेमां वितजा सेवा करीने श्री रसिया प्रभुना हिंडोळाना मनोरथी बनी शको छो। हिंडोळा उत्सवना मुख्य मनोरथी, सह मनोरथी तेमज शुभेच्छक मनोरथी पण आप
बनी शको छो। हवे खास तो दर शनिवारे आपणे आ सत्संग थई रह्यो छे एमां घणा वैष्णवो उपस्थित रहे छे, तो आप सौ महत्शाळी छो, भाग्यशाळी छो के आवा दिव्य सत्संगनो विशेष लाभ लई रह्या छो। तो आवता शनिवारे पण आप सौ आ सत्संगमां जोडाशो અને બીજા વૈષ્ણવને પણ જોડવાનો પ્રયાસ કરશો। હવે વિશેષ સમય ન લેતા આપ સૌ વૈષ્ણવો વતી પૂજ્ય દાદાજી દામોદરલાલજી મહારાજશ્રીને તેમજ પૂજ્ય અમ્માજીને વિનંતી કરીશ કે આપ વચનામૃત અને કીર્તન ગાન દ્વારા વૈષ્ણવ સૃષ્ટિનું પોષણ કરશો। देखो साईं जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री अपने महारानी की जय। प्रिय वैष्णवरण, हमारे माथे विराजमान श्री नवनीत प्रिय प्रभु के पाठोत्सव की आज आप सभी को खूब खूब बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं। तो आज के दिन की शुरुआत हम सूरदास जी के एक गुरु पद से करते हैं। ऐसी कौन करे गुरु बिन, ऐसी कौन करे गुरु बिन, ऐसी कौन करे। माला तिलक मनोहर मानो, माला तिलक मनो लाभ।
बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरन की जय। श्री गोपाल लाल प्यारे की जय। श्री नवनीत लाल प्यारे की जय। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणि रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फल प्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फल प्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो श्री पुरुषोत्तम लाल जी महाराज की जय। उपस्थित चिरायुष्मान ब्रजाधीश जी बाबा लालन बाबा सम उपस्थित पुष्टि मंथन सत्संग सभा में आए हुए सभी महानुभाव वल्लभीय वैष्णव व्रत, आज बहुत ही आनंद और प्रसन्नता का यह अवसर है। कहा भी है आनंद का जो क्षण है उसको कभी भी जाने नहीं देना चाहिए। एक तो ये विषम कलिकाल में भगवत सेवा भगवत सत्संग अति दुर्लभ है, परंतु हमारे गुरुवर अपने सबके गुरुवर श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु कृपा अनुग्रह से हमको ये भगवत अवसर प्राप्त होता है। जो कुछ अपने हम कानों को अपने मन को पवित्र कर सके, आज के उत्सव की आप सभी महानुभाव वैष्णव को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज हमारे माथे बिराजते श्री नवनीत प्रिया जी प्रिय जी का आज मंगलमय आज पाठोत्सव है, उसकी आप सभी वैष्णवों को पुनः बधाई बधाई। और आज का जो शुभ मंगल पर्व है वो है गुरु पूर्णिमा, उसकी भी आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। आपके मंगल की भावना करते हैं। आओ चलो आज के दिन का महत्व जाने। पुष्टिमार्ग दृष्टिकोण से जाने, वैसे तो आज का जो पर्व है गुरु पूर्णिमा का, उसको व्यास पूनम भी कहते हैं। व्यास जी गुरु रूप में है, उनका पूजन आदि भी होता है, भगवत जी का पूजन आदि होता है। और हमारे सबके अपने सबके गुरु अखंड भूमंडलाचार्य चक्र चूड़ामणि श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन करें। महाप्रभु जी को
के नाम रूप और गुण का ज्ञान हमको आपके द्वितीय आत्मज प्रभु चरण श्री विठलनाथ जी गोसाई जी हैं कि जिन्होंने नाम रूप और गुण ग्रंथों के द्वारा हमको बताए महाप्रभु जी के अलौकिक दिव्य 108 नाम से सर्वोत्तम स्तोत्र में रूप का वर्णन वल्भाष्टक में और गुण का वर्णन स्मृत कृष्ण प्रेमामृत सप्त श्लोकी में बताया। कदाचित वल्भाष्टक के स्मृत कृष्ण प्रेमामृत का पाठ आप न करते हो लेकिन सर्वोत्तम स्तोत्र जो है वो हम आप सबकी वैष्णवों की यह गायत्री है और गायत्री मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए कि हम सबका परम कर्तव्य होता है। इन 108 नाम श्री महाप्रभु जी के सर्वोत्तम स्तोत्र के अंतर्गत जिसमें 29वां नाम श्री महाप्रभु जी का प्रभु चरण श्री विठलनाथ जी गोसाई जी बता रहे हैं कि हमारे श्रीमद वल्लभाचार्य जी कौन है तो आपने बताया गुरवे नमः गुरवे नमः गुरवे नमः। हमारे श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी आप गुरु स्वरूप हैं उनके चरणों में भी कोटि कोटि वंदन करता हूं। अपन को प्रश्न हो कि गुरु किसको कहे श्री गोकुलनाथ जी गुरु की व्याख्या दी है जो ज्ञान को जो ज्ञान का उपदेश दे और साथ साथ उनके मार्ग में जो परम फल है उस फल का दान दे वो है गुरु। गु माने अंधकार र माने प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार में से ज्ञान रूपी प्रकाश में ले जाए वो है गुरु। हमारे श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु आप स्वयं गुरु के लक्षण निबंध में आप बता रहे हैं कृष्ण सेवा परम भिक्षम दंभादि रहितं नरम श्रीमद् भागवत तत्वज्ञं भजे जिज्ञासुरादरात्। अर्थात कृष्ण सेवा परम भिक्षम गुरु कैसा होना चाहिए कि कृष्ण की सेवा में तत्पर हो स्वयं कृष्ण की सेवा करता हो अर्थात ठाकुर जी की सेवा स्वयं करता हो तो गुरु केवल उपदेश दे सेवा का वो नहीं लेकिन स्वयं सेवा करता। परम भगवती गोपाल दास जी ने वल्लभाख्यान में भी कहा आप सेवा करी सीखवे श्री हरि भक्ति पक्ष वैभव सुदृढ़ की दो। केवल महाप्रभु जी और गोसाई जी दोनों ने केवल उपदेश नहीं केवल मात्र दिया है। कोई यो समझे कि जहां जहां पधारे महाप्रभु जी गोसाई जी पृथ्वी की परिक्रमा करने जैसे गुजरात में तो छह बार आप श्री पधारे केवल भागवत जी की कथाएं की ऐसा नहीं आपका आग्रह भगवत सेवा का पहले रहा और वो भगवत सेवा श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी स्वयं करते ऐसे ही गुरु स्वरूप हमारे विठलनाथ जी गोसाई जी हैं। उसमें भी उनमें भी इतना ही सामर्थ्य है और उन्होंने भी सेवा का विस्तार बहुत बढ़ाया। अज्ञान को दूर करके ज्ञान का प्रकाश हृदय में प्रकाशित कर दे वो है गुरु वही हमारे सद्गुरु। और वो गुरु जो है
वे हमारे श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाप्रभु, उन्हीं को गुरु बताया है गुरुचरण श्री विठल नाथ जी ने, और जितने भी भूतल पे विराजमान आचार्य वंशज हैं सब गुरु द्वार है। गुरु स्वरूप तो हमारे श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी और प्रभु चरण श्री विठल नाथ जी। महाप्रभु जी ने विशेष करके अपने जीवन में भगवत सेवा की प्रधानता रखी है, क्योंकि महाप्रभु जी का इस पृथ्वी पर प्रागट्य भी अनेक कार्य करने के लिए हुआ है, लेकिन विशेष करके आप श्री ग्रंथ में आज्ञा करते हैं कि सेवा यांवा तथा यांवा यस्या शक्तिर दृढ़ा भवेत यावत जीवं तस्य नाशो न क्वापीति मतिर मम। सेवा की प्रधानता बताई, कथा की प्रधानता बताई, दो ही तो कार्य अपन पुष्टिमान के वैष्णव को करना है, यही तो उपदेश गुरु का है कि कभी भी जीवन में भगवत सेवा नहीं छोड़नी चाहिए, कभी भी जीवन में अपन को सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए, ये उपदेश गुरु का है। गुरु यही उपदेश दे रहे हैं वल्लभाचार्य महाप्रभु जी, प्रभु चरण श्री विठलनाथ जी, श्री गोकुलनाथ जी, श्री हरिराय महाप्रभु, हमारे रमण प्रभु, घनश्याम लाल जी महाराज श्री, दामोदर लाल जी महाराज श्री, ब्रजपाल लाल जी महाराज श्री, श्री हमारे गुरुवर श्री पुरुषोत्तम लाल जी महाराज श्री, आप श्री का यही आग्रह हमेशा रहा कि वैष्णव अपने कर्तव्य से विमुख कभी ना हो। आज कष्ट इस बात का हमको होता है, आचार्य वंशज गुरु स्वरूप में प्रवचन करते हैं तन भर, वैष्णव सुनते हैं मन भर और ग्रहण करते हैं कण भर। इतना इतना सत्संग प्रवचन होता ही रहता है, लेकिन हम श्रवण भी करते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है श्रवण करना, लेकिन उससे भी अच्छी बात जो है वो है कि श्रवण किए को मनन के द्वारा आत्मसात कर लेना। हाँ के ना, क्योंकि श्रवण के साथ उसको मनन किया जाए तो वो पटल पर मति में रहता है और फिर उसको आचरण में अपने जीवन में ला सकते हैं। गुरु का उपदेश यही है। जब दामोदर दास संभर वाले श्री महाप्रभु जी के शरण में आए तो उन्होंने पूछा, कृपाना तब मेरे कर्तव्य कहा है, अब मैं कहा करूं? तो आप श्री ने कहा कि तुम ठाकुर जी की सेवा करो। सेवा कैसे की जाती है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हाँ संपत्ति भगवान ने दी है, धन है, लेकिन सेवा का साहित्य की सेवा तो ठाकुर जी मेरे पास नहीं है। तो आप श्री ने कृपा बल से श्री द्वारकाधीश जी का स्वरूप उनको पधरा दिया, नित्य का सेवा प्रकार और उत्सव का सेवा प्रकार सब आप श्री ने उसको उनको बता दिया, और साथ साथ यही बताया कि तत्सुखात्म भाव से सेवा करना, भगवत सेवा में प्रभु का सुख पहले होना चाहिए, ये उपदेश आपसे ने दिया। हम भगवत सुख अपने स्वयं के सुख के लिए सेवा नहीं करते, हम ठाकुर जी के सुख के लिए सेवा करते हैं। हाँ के ना, जिसमें ठाकुर जी का सुख रहा हुआ हो, हम सेवा करके हमको प्रसन्नता हो जाए, हम कहते रहते हमने सेवा करी हमें बड़ा आनंद आया, तुमको आनंद आया, ठाकुर जी से पूछो आपको आनंद आया। हम अपनी आनंद के लिए कि अपनी प्रसन्नता के लिए हम भगवत सेवा नहीं करते, हम जो सेवा करते हैं गुरु के उपदेश के अनुसार ठाकुर जी के सुख के लिए, इसमें ठाकुर जी का सुख समाया हुआ है। यथा देहे तथा देवे, गुरु का उपदेश यही है कि भगवत सेवा को जीवन में हम कभी ना त्यागे, भगवत सेवा को जीवन में कभी ना छोड़े। श्री महाप्रभु जी के अनेक सेवक हुए, कई सेवक तर्क वितर्क भी करते थे, प्रश्न भी पूछते थे, कौन सा मार्ग बड़ा, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग,
आपने कहा जिसको जो अच्छा लगे वो मार्ग उसके लिए बड़ा है, लेकिन हमसे कोई पूछे तो हम तो कहेंगे भक्ति मार्ग बड़ा। फिर उन्होंने पुरुषोत्तम जी ने उन्होंने पूछा कि भक्ति का स्वरूप क्या है, तो वो आपका पूरा ग्रंथ आपने प्रकट करके बता दिया भक्ति वर्धनी के भक्ति का स्वरूप क्या है। तो गुरु जो है वो ज्ञान जिनके पास भरा हुआ है वही गुरु है। मर्यादा में भी कहते हैं कि गुरु कीजिए जान के जल पीजिए छान के, हर किसी को भी गुरु नहीं बनाते। वो लक्षण श्री महाप्रभु जी ने जो निबंध में बताए, कृष्ण सेवा परम विक्षम, ठाकुर जी का सेवा का आग्रह रखने वाले, जो भगवत सेवा का आग्रह रखने वाले हो वही भगवत सेवा का आग्रह की बात कर सकते हैं, लेकिन जो भगवत सेवा का आग्रह नहीं रख रहा है तो भगवत सेवा का आग्रह रखो ऐसा कभी नहीं कह सकता। भगवत सेवा का आग्रह और हमारा आग्रह रहे तो अनुग्रह होने में देर नहीं लगती है, अनुग्रह तुरंत हो जाता है। लेकिन अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए साधन मत बना लेना कोई, ये पुष्टि भक्ति मार्ग साधन नहीं कि इतना इतना हम करें तो इतना हमको मिले, नहीं। प्रभु की प्रसन्नता वही फल, प्रभु का सुख है वही फल, और प्रभु की प्रसन्नता प्रभु के सुख के लिए भगवत सेवा करें तो उसकी वो करने में उसको हृदय में चाहिए भाव, हृदय में चाहिए प्रेम, वो अलौकिक अनुराग, जो भाव प्रेम अनुराग उसके पास है और उस भाव प्रेम और अनुराग से जो ठाकुर जी के सुख का विचार करता है तो ठाकुर जी अवश्य प्रसन्न होते हैं। ना तो महाप्रभु जी का उपदेश यही है और यही आपने गुरु के लक्षणों में बताया, कृष्ण सेवा परम विक्षम, भगवत सेवा के आग्रही हो और भगवत सेवा का आग्रही बनाने के लिए जीवों को उपदेश देते हो। अभी आपके घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं, आपके बुजुर्ग लोग बड़े माता पिता दादा दादी ऐसे सब भगवत सेवा कर रहे हैं, लेकिन युवा वर्ग बाल्य वर्ग जो है महिला वर्ग जो है वो केवल घरेलू काम के अंदर रची पची रहती है, लेकिन नहीं उनका भी ऐसा आग्रह रहना चाहिए कि हमने भी ब्रह्म संबंधी वैष्णव है तो हमारे घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं तो हमको भी ठाकुर जी की झारी जी भरनी चाहिए, चरण स्पर्श करने चाहिए, भोग धराना चाहिए, ऐसा उनका आग्रह सब सेवा उनके माथे विराज करे। लेकिन उसके घर में ठाकुर जी विराजते हो तो उसको ये आग्रह रहे कि मैं भी झारी चरण स्पर्श तो करूं। आज अपन महाप्रभु जी की बैठकों में जाते हैं तो वहां भी आग्रह रखते हैं कि हम महाप्रभु जी की झारी जी भरे, चरण स्पर्श करें, धोती पूर्ण धरावे, सामग्री अरोगावे। तो ऐसा उपदेश हमको श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी दे रहे हैं कि जीवन में कभी भी भगवत सेवा नहीं छोड़नी, सत्संग नहीं छोड़ना, ये उपदेश आपने दिया है। विशेष ज्यादा न कहते हुए अंत में एक दृष्टांत के साथ मैं अपनी बात को पूरी करूंगा। एक गुरुजी थे, वो अपने शिष्यों के साथ नदी के किनारे बैठे हुए थे और अचानक गुरुजी के ने एक पत्थर लेकर के नदी में फेंक दिया, पत्थर डूब गया। गुरुजी ने अपने शिष्यों से पूछा, बताओ ये पत्थर क्यों डूब गया? शिष्यों ने कहा, गुरुदेव यह भारी था इसलिए यह डूब गया। एक शिष्य चुप बैठा था। गुरुजी ने उससे पूछा, तुम बताओ वो क्यों डूब गया? उसने कहा, गुरुदेव मुझे तो इतना ही समझ आया कि यह आपके हाथों से छूटा इसलिए वह डूब गया। अर्थात प्रियजनों, जिसने गुरु का साथ, गुरु का हाथ, गुरु की शरण जिसने छोड़ी, वो समझो इस भवसागर में डूब गया। इसलिए प्रियजनों याद रखना,
कभी भी जीवन में गुरु का साथ नहीं छोड़ना, गुरु का हाथ नहीं छोड़ना, गुरु की शरण नहीं छोड़नी, वही हमको भगवत लीला तक पहुंचा के ले जाएंगे। सभी वैष्णव की दृढ़ता अपने गुरु के प्रति रहे, भावना बढ़े, निष्ठा बढ़े और सभी भगवत सेवा में और सत्संग करने के अति आग्रही वैष्णव सब बने, ऐसी मंगल भावना में आज के सभी के लिए करता हूँ। गुरु पूर्णिमा की पुनः सभी वैष्णवों को शुभकामनाएं और आप इस गुरु पूर्णिमा के जो भाव को श्रवण किया उसको हृदय में उतारने का प्रयास करेंगे। विशेष ज्यादा न कहते हुए मैं अपने गुरुवर के चरणों में अपने माथे विराजे श्री नवनीत प्रिया जी के युगल चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हुआ मैं अपने वाक पुष्पों को प्रभु के चरणों में समर्पित करता हूँ। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। आश्रय का पद गान करें। तुम शरणागत आयो श्री वल्लभ, तुम शरणागत आयो श्री वल्लभ, तुम शरणागत आयो सब दुख दूर गई तुमने खत, सुख को पार न पायो श्री वल्लभ, तुम शरणागत आयो श्री वल्लभ, आज्ञा देशी गोवर्धन घर की ब्रह्म संबंध करायो श्री वल्लभ, तुम शरणागत आयो श्री वल्लभ, अखिल लीला प्रगट दिखाई सेवा सुख ही बतायो श्री वल्लभ, तुम शरणागत आयो श्री वल्लभ, श्री भगवत सुदारस मत के अपनोपन जतायो श्री वल्लभ, तुम शरणागत आयो श्री वल्लभ, ऐसे उदार श्री लक्ष्मण नंदन रसिकन के मन भायो श्री वल्लभ, तुम शरणागत आयो श्री वल्लभ, तुम शरणागत आयो श्री वल्लभ, श्री वल्लभादीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री दामोदर लाल प्यारे की जय। श्याम सुंदर श्री अमने महाराणी की जय। हवे आप सर्वे उपस्थित वैष्णवों ने जे जे श्री ने दंडवत प्रणाम नो लाभ मळशे तो भावेश भाई ने विनंती करीश के उपस्थित तमाम वैष्णवों ने अनम्यूट करशे। जय जय श्री, प्रणाम जय श्री।
दृढ़येन चरणन केरो भरोसो दृढ़येन चरणन केरो श्रीवल्लभनख चंद्रछटाभिन सब जग माज अंधेरो भरोसो दृढ़ेन चरणन के साधन और नहीं आकले में जासू हो निवेरो सूर कहा कहे द्विविध अंधरो बिना मूल को चेरो भरोसो दृढ़ईन चरणन के दृढ़ईन चरणन केरो भरोसो दृढ़ईन चरणन के वल्लभाधीश की जय श्री गोसाई जी परम दयाल की जय श्री गोकुल नाथ की जय श्री हरिराय महाप्रभु की जय बोलो गौ माता की